टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 4C ऑफ चैप्टर एक्सपेंशंस। अब इसके अंदर बच्चे जो आइडेंटिटीज हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो इस एक्सरसाइज में यूज हो रही हैं, वो वाली आइडेंटिटीज। हियर टू आइडेंटिटीज आर देयर, दैट वन, फर्स्ट वन इज x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, मीन्स फर्स्ट टर्म सेम बट सेकेंड टर्म इज डिफरेंट एंड मल्टीप्लाई साइन इज देयर। दिस वन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। कोई बात नहीं बच्चे, मुझे बताने दो। एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, दिस इज आइडेंटिटी। सेकेंड वन, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। इप्सिता बताओ बच्चे मुझे, ये सर ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यस, प्लस टू ए बी बी सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। कौशल, यस सर। तू किसी और डिवाइस से ज्वाइन कर रहा है? नो सर। ओके चलो, a plus b plus c whole square is a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca. This is the identity. Now we have used these two identities. But kai baar kya hota hai? For example, x plus 3, x minus 2. First term is same, second term is different. But sign identity mein humare paas sign kya the? Dono plus ke the, beech mein. बट यहां माइनस आ गया, तो हम यहां पे थोड़ी सी अपनी क्लेवरनेस दिखाएंगे। x प्लस सी, इसको बच्चे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, प्लस माइनस टू लिख सकते हैं ना? यस सर। ओके, तो अभी बाय यूजिंग, मैं एग्जांपल से शो कर रहा हूं उसको, कि घबराना नहीं है कि माइनस आ गया, बट आइडेंटिटीज में हमारे पास क्या था, ओनली प्लस था। तो एट दैट टाइम हम इस टाइप से करेंगे, मान लो दोनों प्लेसेस पे माइनस होता तो यहाँ पे भी ऐसी ब्रैकेट डाल के माइनस अंदर ले लेते। अब x प्लस ए x प्लस बी के साथ कंपेयर करेंगे, मतलब आइडेंटिटी लिख देता हूं मैं यहाँ पे, प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। यस धैर्य, x के प्लेस पे क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x सेम x है। a की वैल्यू बचे 3। बस अभिजोत, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी? सर माइनस टू। माइनस टू, यस माइनस टू इज देयर। वी हैव टू, ये बच्चे हमें गिवन है एक टाइप से और ये हमने लिखना है, तो अब इसको छोड़ देंगे, ये लिखेंगे ओनली एक्स के प्लेस पे एक्स आएगा क्योंकि एक्स के प्लेस पे एक्स ही था, प्लस ए प्लस बी, ए के प्लेस पे थ्री आ जाएगा, प्लस बी के प्लेस पे माइनस टू आएगा, एक्स के प्लेस पे एक्स प्लस ए बी, 3 इंटू माइनस टू, ओपन एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 3 माइनस टू इंटू एक्स प्लस 3 इंटू माइनस टू माइनस एक्स। यस मोहित, यस सर, व्हाट इज वी गेट? 3 माइनस टू सर 5 5x, 3 माइनस टू, शाबाश। ओ सॉरी सर, 1x प्लस माइनस माइनस सिक्स, माइनस सिखानी पड़ेगी तेरे को पहले, प्लस एडिशन और सब्सट्रैक्शन। मोहित, नो सर, वो फर्स्ट टाइम है ना, इसलिए थोड़ा नर्वस हूँ। नर्वस है, चल कोई बात नहीं। हरमन ने नहीं ज्वाइन किया ना आज? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर दैट वाज द आंसर सर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स। यस बच्चे, एक्सपेंड ही करना है ना। ओके सर, सर इज मिडिल टर्म स्प्लिट पॉसिबल इन दिस? मिडिल टर्म स्प्लिट करके यही आएगा ना आंसर? ओके सर, यस सर। जब भी एक्सपेंड बोला है तो फैक्टराइज बोला है, तब हमने मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। अभी बच्चे सर, वो सर आपने एग्जांपल दी थी ना? हां जी बेटा,
एक और एग्जांपल ले रहा हूं मैं अब दूसरे आइडेंटिटी की, जो सेकंड आइडेंटिटी हमने a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर किया था, बट हमें दे दिया उन्होंने 3x माइनस 2y माइनस 4z, तीन टर्म्स हैं ब्रैकेट में, पावर 2 है, स्क्वायर है, मतलब ये प्लस होना चाहिए था आइडेंटिटी में। फिर हम बहुत क्लेवरनेस दिखाएंगे अपनी, 3x प्लस माइनस 2y, मतलब माइनस को ऐसे ब्रैकेट में कर देंगे, प्लस माइनस 4z होल स्क्वायर, दिस वन। अब बाय यूजिंग प्रणव a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बोलो बच्चे। यस सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। वेरी गुड। अब ये टर्म है हमारे पास, तो प्रणव व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? सर 3x, सो माइनस 2y। खुशागरा व्हाट इज द वैल्यू? यस सर। बी की वैल्यू? सर माइनस 2y। अली राजा सी की वैल्यू? माइनस 4z। माइनस 4z, ये टर्म हमें गिवन है, दिस वन वी हैव टू राइट डाउन। तो a के प्लेस पे जहां पे भी a आ रहा है वहां पे 3x लिखेंगे, क्योंकि a के प्लेस पे 3x था। प्लस b स्क्वायर, महक b के प्लेस पे क्या लिखूं? महक, लारा? सर माइनस 2y b के प्लेस पे। फर्स्ट टाइम में सुनता नहीं है बच्चे महक तेरे को। मैं बोलूं? लारा c की वैल्यू? Yes sir, minus 4z the whole square. Minus 4z. Plus 2, a के प्लेस पे 3x, जहां b है वहां पे minus 2y. Plus 2bc, जहां b है वहां minus 2y, और जहां c है वहां minus 4z. Plus 2ca, minus 4z into 3x. Open. Joya, 3x square? Sir, 3x square. 3x का स्क्वायर? सर 9x स्क्वायर। तो पहले क्या हो गया था? नहीं सर, मैं पहले क्वेश्चन बोल रही थी। माइनस 2y का स्क्वायर? सर माइनस 4y स्क्वायर, सो ब्रैकेट में आएगा। सर 4y आएगा। एक मिनट चुप, मुझे भी पता है, आता है मुझे। सुनने दो भाई। जोया, जोया। यस सर। माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है? सर 4। माइनस 4 नहीं होता? सर यस। माइनस 4 होता है? नो सर, नो। प्लस 4 होता है ना? यस सर। तो तू यहाँ पे फिर माइनस 4y स्क्वायर क्यों बोल रही है? सर मुझे माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है? प्लस 4 होता है बच्चे। 4y स्क्वायर। सर अगर क्यूब होगा तो क्या होगा? माइनस आएगा बच्चे। इवन पावर होगी नेगेटिव की तो पॉजिटिव आएगा, ऑड पावर होगी 3, 5, 7 तो नेगेटिव आंसर आएगा। कॉमन सेंस है बच्चे। माइनस इंटू माइनस, माइनस 2y का स्क्वायर का मीनिंग क्या है? माइनस 2y इंटू माइनस 2y है ना। माइनस माइनस प्लस, 2 2 4, y इंटू y, y स्क्वायर, यही होगा। दिवांशु, माइनस 4z का स्क्वायर? सर 16z स्क्वायर हो जाएगा। 16z स्क्वायर। इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। सुखविंदर, कौशल सर, मैं आईटेल शॉट है या शो? सर वन मिनट ऑन। सर वी विल डू 6x प्लस 6x। सर मैं बता बच्चे तीनों, नहीं रुक जाओ बच्चे प्लीज, ना बोला करो बीच में। सर प्लस 6x माइनस 4y, सॉरी प्लस, सॉरी बच्चे। सर तो एक मुझे एक, और एक मिनट, मुझे तीनों की मल्टीप्लाई बता कितनी आएगी। 2 × 3 × 4 24। मतलब तूने क्या किया, पहले 2 को 3 से किया, कितना आया? 6 को 4 से किया है ना? यस सर। तो यहाँ पे क्या कर रहा है? 2 × 3x कितना बनेगा? 6x6x into minus 2y? So minus
yx या xy एक ही बात है, दोनों से नहीं करना टू को, ठीक है, दोनों से कर रहा है, तीनों में मल्टीप्लाई है बस अभी नहीं। आर्या, आर्या यस सर, व्हाट वी गेट सर, टू टू जा फोर, फोर फोर सिक्सटीन, माइनस माइनस प्लस प्लस सिक्सटीन वाई जेड, यस धैर्या, तीनों की मल्टीप्लाई, यस सर, ई 24 माइनस 24 एक्स जेड, एक्स और एक्स जेड, दैट इज द सेम थिंग। इसमें कोई भी लाइक टर्म है, एक्स स्क्वायर वाली कोई टर्म है नहीं है, वाई स्क्वायर वाली है नहीं है, जेड स्क्वायर वाली है नहीं है, एक्स वाई वाली नहीं, वाई जेड वाली नहीं, दिस इज द आंसर। ठीक है कौशल? यस सर। नाउ वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज 4C। फर्स्ट सम आई कैन डू फर्स्ट एंड सेकंड एंड फोर्थ पार्ट, सेकंड पार्ट कर रहा हूं बच्चे मैं, और जिससे पूछूंगा उसी ने बोलना, किसी और ने नहीं बोलना। एक्स प्लस, क्योंकि मैं तुम्हें एग्जांपल्स दे चुका हूं इस चीज की, फर्स्ट सम से रिलेटेड। नमन सर एक बार, हाँ जी बेटा सर एक बार सर, वो आप फॉर्मूले दिखाना इसके वाले पीछे पेज पे जो था, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, यस सर, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इनटू एक्स प्लस ए बी, और दूसरा बच्चे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए। ओके सर। यस नमन, यस सर, टू ए बी सर, एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी सर, टू ए बी टू बी सी टू सी ए की जगह सर टू कॉमन लेकर कर लेते हैं, वहाँ एक ही बात है बेटा, दैट इज द सेम थिंग, शॉर्ट हो जाएगा, शॉर्ट तो उसमें लास्ट वाले सम्स में जरूर, मतलब उसकी जरूरत पड़ेगी, पहले नहीं, शॉर्ट नहीं होगा, स्टेप उतने ही बनेंगे। यस सर, यस, इसको सॉल्व करवा मुझे सर, आ जाएगा एक्स एक्स प्लस एट एंड देन एक्स प्लस ब्रैकेट में माइनस टेन। आइडेंटिटी बोल, एक्स प्लस ए एंड एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इनटू एक्स प्लस ए बी। नाउ व्हाट आई हैव टू राइट डाउन हियर, एक्स स्क्वायर सर देन प्लस एट एंड देन प्लस ब्रैकेट माइनस टेन एंड देन एक्स प्लस 8 into minus 10। ऐसे बच्चे मल्टीप्लाई साइन के बजाय ना ब्रैकेट्स में डाल दो। एक चीज और, हर एक सम में आइडेंटिटी लिखनी ही लिखनी है, नहीं लिखोगे तो मार्क्स कटेंगे बच्चे। सर हमारे टीचर ने कहा था नहीं मिलेंगे मार्क्स, कोई नहीं है फिल करने का है। छोड़ देना फिर बच्चे, जब मार्क्स कटने हैं आइडेंटिटी का, आइडेंटिटी लिखोगे नहीं कैसे लिखोगे फिर, फिल कैसे करोगे? नहीं सर, हमारे सर बोले थे कि मार्क्स कटेंगे। कटेंगे बेटा, आइडेंटिटी लिखनी कंपलसरी होती है। मैम ने कहा था लिख लेना, लेकिन फिल करने के मार्क्स है। ओ यार, मैं मेरे तो सर टेस्ट में भी काट दिए थे। ओके, बस चलो आगे बोलो। नमन, नमन, यस सर, Yes. आगे बोलो बच्चे, x square, सम तो कंप्लीट करवा। यस प्लस सर 2 माइनस 2, एक बार ब्रैकेट को ओपन करते होते हैं, राउंड ब्रैकेट को, एक स्टेप इंक्रीज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। okay. इन दोनों की मल्टीप्लाई सर 80 माइनस 8 माइनस 80। नाउ व्हाट आई हैव टू राइट डाउन हियर सर, x square प्लस माइनस 2 प्लस माइनस, तो माइनस टू एक्स बन जाएगा ना। यस yes. दोनों को सॉल्व करेंगे, माइनस टू इंटू प्लस माइनस हो जाएगा ना, आगे माइनस 80, तो ये एक्सपेंड हो गया। किसी को इस सम में डाउट हो बच्चे? सर, हाँ जी सर, इम्प्लाइज की साइन डालना जरूरी है
नौ बच्चे तो इक्वल डाल दे चाहे इम्प्लाइज डाल दे, एक ही बात है, वो ऐसे होता है कि पता चल जाते हैं कि नेक्स्ट लाइन स्टार्ट हो गई है। ओके सर। ओके नाउ फोर्थ पार्ट। यस धैर्य। यस सर। व्हाट आई हैव टू डू? सो वी विल राइट फॉर द आइडेंटिटी। नो, आइडेंटिटी में तो प्लस था, यहाँ माइनस है, तो पहले उसको अपनी क्लेवरनेस दिखाओ। ठीक है ऐसे? ठीक है धैर्य। ओके सर। नेक्स्ट ब्रैकेट x प्लस ब्रैकेट माइनस 10। नाउ द आइडेंटिटी। यस सर। मैं भूल गया, फटाफट बता। x प्लस eb प्लस x प्लस b इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट eb प्लस ab प्लस नहीं a प्लस b बच्चे a प्लस b इनटू x प्लस ab ab। नाउ ये वैल्यू बच्चे हमने लिखनी है, ये फॉर्मेट है, x की वैल्यू प्लेस पे x ही पड़ा है तो x ही आएगा। यस सर। प्लस a के प्लेस पे क्या लिखूं? माइनस 8। यस वेरी गुड। प्लस माइनस, माइनस ही कर दूं सीधा? यस सर, माइनस 10 इनटू x, मतलब ब्रैकेट में डाल देना, यहां स्पेस कम थी इसलिए मैंने यहां पे सीधा ऐसे लिख दिया। प्लस ab माइनस 8 इनटू माइनस 10 माइनस 10 सो x स्क्वायर x स्क्वायर 18x माइनस 18x प्लस प्लस 80। वेरी गुड। माइनस 18 टू माइनस 10 माइनस माइनस प्लस प्लस 80। दिस इज द आंसर। रिमेनिंग पार्ट्स यू कैन डू इट इजीली। सर माइनस भी आएगा? माइनस 18 टू माइनस 10 इप्सिता सो माइनस 80 माइनस माइनस सो प्लस ओ सॉरी लिखा है सर, मैं तो सर आंसर में भी 18 निकाल रही थी सर, मैंने प्लस कर दिया। शाबाश, अच्छे काम किया यार। चलो अभी सर हमसे भी पूछ लो। पूछ रहा हूँ बच्चे, सबसे पूछ रहा हूँ, धीरे धीरे सबकी टर्न आएगी, टेंशन ना ले। चल अभी कर सेकंड का फर्स्ट पार्ट तू बता दे रूप। ओके सर। ये मुझे ना ऐसे है कि कुछ न्यू स्टूडेंट्स हैं, मुझे पता चल जाए उनका लेवल क्या है, ठीक है ना? दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग मोर क्वेश्चंस टू देम। सर पहले 2x को सेकंड टर्म के साथ करेंगे और माइनस। यहां देखो बच्चे, यस वेरी गुड, यहाँ पे कोई भी टर्म सेम नहीं है, फर्स्ट टर्म भी सेम नहीं है, सेकंड भी नहीं सेम है, तो यहाँ पे क्या करना है, कोई आइडेंटिटी नहीं है, सिंपल मल्टीप्लाई है 2x को दोनों से माइनस x 1 बाय x को भी दोनों से, तो 2x ऐसे लिखेंगे ना रूप? रूप यस सर। यस आगे क्या लिखूं मैं यहाँ पे सर? फिर माइनस 1 अपॉन x को सेकंड टर्म से करेंगे सर, ब्रैकेट सेकंड टर्म से करेंगे क्या पूरी ब्रैकेट से करेंगे सर? पूरी ब्रैकेट से करेंगे। हाँ अभी यहाँ पे फर्स्ट टर्म 6x स्क्वायर, 2x को 3x से करेंगे 6x स्क्वायर, आगे 4x अपॉन x। एक बार बच्चे सीधा x काटने की बजाय ना, क्यों एक बार ऐसे लिख लो जैसे इसने बोला है, 2x को 2 से, ऊपर वाली टर्म ऊपर वाली से मल्टीप्लाई होती है, नीचे सेम, आगे 3x अपॉन x, उससे आगे माइनस 2 अपॉन x स्क्वायर। देख के तो नहीं बता रही कहीं से? नहीं सर। सर नहीं और है? यस सर पक्का। अब यहाँ पे देखो x से x कट गया, x से x कट गया 6x स्क्वायर, एक बार मैं ऐसे लिख देता हूँ, बाद में आगे जो लाइक टर्म्स होंगी वो ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे। हाँ सर दिस इज माय नेम सर। बोलो बच्चे। लिया था ये क्वेश्चन? नहीं बच्चे। सर 6x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर 2 अपॉन x 2
अपॉन एक्स स्क्वायर। अब ढंग से बोल नहीं रही है, मैं पूछूंगा नहीं, देख ले रूप आगे से। सर ढंग से बोल रही है। नहीं बोल रही तू, पता नहीं किसी और से भी बातें कर रही है। फोर प्लस का है थ्री माइनस का है, फोर माइनस थ्री वन, माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर, दिस इज द आंसर। सिंपली इसमें कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही बच्चे, कोई भी टर्म लाइक नहीं है, मतलब टू एक्स है या थ्री एक्स है डिफरेंट है, वन बाई एक्स है टू बाई एक्स है डिफरेंट है। तो इस टाइप के सम्स में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। टू एक्स लिख दिया सारी टर्म, माइनस वन बाई एक्स लिख दिया सारी टर्म, मतलब ये नहीं है कि फर्स्ट फर्स्ट से सेकंड सेकंड से होगा, टू एक्स भी दोनों से मल्टीप्लाई होगा एंड माइनस वन बाई एक्स भी दोनों से होगा। अंडरस्टूड? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर, अगर सेकंड ब्रैकेट में भी 2x ही होता तो फिर इसमें हम वो वाली आइडेंटिटी लगा देते। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी बेटा, फिर आइडेंटिटी लगाते। ओके सर, ठीक है, समझ आ गया बच्चे सबको? यस सर। यस सर। यस सर। सेकंड पार्ट लारा। यस सर। यस सर। करवाओ बच्चे मुझे। हाँ सर। सर फर्स्ट वी विल राइट 3a होल ब्रैकेट 2a माइनस 3 अपॉन b देन प्लस 2b होल ब्रैकेट 2 अपॉन b। यस सर, 2 अपॉन b होल ब्रैकेट 2a माइनस 3 अपॉन b। यस सर, मल्टीप्लाई 6a स्क्वायर माइनस 9a अपॉन b। यस, प्लस 4a अपॉन b। यस, माइनस 6 अपॉन बी स्क्वायर। यस, अब देखो बच्चे इन दोनों में ए अपॉन बी, ए अपॉन बी माइनस 5 ए अपॉन बी। सर माइनस 5 अपॉन बी विल कम ना? या माइनस 6 अपॉन बी स्क्वायर। सर दिस इज द आंसर। डिनोमिनेटर, यस वेरी गुड बेटा, बी डिनोमिनेटर सेम था तो हम सीधा ऊपर वाली टर्म्स को ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 9a के आगे माइनस था, 4a के आगे प्लस है, तो माइनस 9a प्लस 4a माइनस 5a आएगा। तो दिस इज, अब कोई भी लाइक टर्म नहीं है तो दिस इज द आंसर। ओके? यस सर। समझ सर, आप थर्ड का बोला कि मैं देख रही हूं, टाइम लगा रही थी बच्चे, बता नहीं रही थी प्रॉपर टाइम से, सोच रही थी, सोचने वाला था ही नहीं उसमें, देख के बोल रहा था बच्चे। थर्ड का फर्स्ट पार्ट महक जी। यस सर। बताओ क्या करूं मैं इसको? इसमें आइडेंटिटी पहले सर, इसको प्लस एक्स प्लस बाय प्लस ब्रैकेट में माइनस जेड। वेरी गुड, अब बाय यूजिंग आइडेंटिटी भूल गया मैं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हाँ लिख दिया। प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यस, अभी क्या लिखो बच्चे, ये देखो ये टर्म है, इसके साथ कंपेयर करो, a के प्लेस पे x है, b के प्लेस पे y, c के प्लेस पे माइनस z। यस लिखवाओ बच्चे मुझे। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में माइनस z स्क्वायर प्लस 2 x into y, ऐसे ब्रैकेट्स में डालना बच्चे, मल्टीप्लाई साइन मत डालना, प्लस 2x 2 by into minus z प्लस 2 into minus z into x। वेरी गुड, यस, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। Yes. Plus 2xy. Very good. Minus 2yz. Minus 2zx. Shabash.
आज पहली बार महक ने बिना गलती के सम को सॉल्व करवाया है. वेरी गुड बेटा. हाँ जी बेटा बोलो. सर इसमें हम आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं ना, a प्लस बी माइनस सी द होल स्क्वायर. बच्चे कितनी आइडेंटिटीज लर्न करोगे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर. कहाँ तो तुमने एक आइडेंटिटी लर्न करनी है. सिर्फ यहाँ पे जो माइनस आ रहा था वहां पे वो चेंज कर दिया. कहाँ तुम a माइनस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी भी यूज करोगे, कहाँ तुम a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर की भी, कहाँ माइनस a प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर की भी. तो कितनी आइडेंटिटीज लर्न करोगे. तो ज्यादा बेटर नहीं है कि हम इन दोनों को छोड़ दें, एक ही आइडेंटिटी लर्न करें. सर इसमें टू कॉमन ले सकते हैं, टू ए बी प्लस टू बी सी का ले लो बच्चे, वैसे जरूरत नहीं है एक्सपेंड करना इसको. हाँ जी सर, ये प्लस माइनस जेड स्क्वायर नहीं होगा? समझ नहीं आया सर. ये एक्स स्क्वायर प्लस लास्ट स्टेप में जो लिखा है आपने, हाँ जेड स्क्वायर, ये माइनस का नहीं आएगा? विराज तेरे को ना सिक्स क्लास में बिठाने वाला है. क्यों? और माइनस जेड का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर कितना होता है? ओके सर प्लस. सर नहीं ब्रैकेट के लिए कह रहा था ना. ब्रैकेट फिर क्या हो गया, ये ब्रैकेट है तो फिर तो एस स्क्वायर जेड स्क्वायर नहीं लिख सकता माइनस जेड के होल स्क्वायर को? बता मुझे फिर, प्लस तभी लिखा है. ओके सर. बेसिक्स ना कई बच्चों के तो इतने बुरे हाल है, उनको ये नहीं पता प्लस. सॉरी बोलो बच्चे. तो कैन आई हेल्प विद द सेकंड वन? या श्योर. सेकंड वन नहीं, फोर्थ वन करो बच्चे. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी बेटा. सर हम रीजॉइन कर रहे हैं, एंटर कर दीजिएगा. ओके सर. मैं अभी कर दूँ सर, हैंग हो रहा है गाड़ी. ओके हाँ जी बच्चे. अली. यस सर. सर 5x प्लस इन ब्रैकेट माइनस 3y. यस प्लस इन ब्रैकेट माइनस 2 होल स्क्वायर. यस सर. द आइडेंटिटी a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर बाय यूजिंग a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर. सर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. यस प्लस सी स्क्वायर. प्लस टू ए बी. यस प्लस टू बी सी एंड टू सी ए. टू सी ए प्लस टू सी. नाउ सर ए इज फाइव एक्स. फाइव एक्स का स्क्वायर ये नहीं लिखना अभी, ये तो थे हमारे पास था फॉर्मेट, ये लिखना है अभी, राइट साइड लिखनी है. प्लस माइनस थ्री वाई का होल स्क्वायर. यस माइनस टू वाई का होल स्क्वायर. टू का स्क्वायर, टू है ओनली. ओ सॉरी सर. देन टू इनटू टू इनटू सो फाइव एक्स एंड माइनस थ्री वाई. वेरी गुड. प्लस टू माइनस थ्री वाई. यस माइनस टू. यस प्लस टू माइनस टू प्लस फाइव. फाइव एक्स इज देयर बच्चे. यस सर. ओपन द ब्रैकेट्स. 25x स्क्वायर. यस देन 9y स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर. प्लस 9y स्क्वायर ठीक है. प्लस 4. वेरी गुड. प्लस सर माइनस 30y एक्स वाई माइनस 30x. फाइव टू द 10 10 इनटू माइनस 3 माइनस 30xy. आगे सर प्लस 12y. 12y 2 इनटू माइनस 3 माइनस 6 माइनस 6 इनटू माइनस 2 प्लस 12y. नेक्स्ट वन इज सर वन सेकंड माइनस 20x. यस कोई भी लाइट टर्म नहीं है. दिस इज द आंसर. नाउ सर नेक्स्ट. नो बच्चे
रुक जाओ बच्चे, एक बार मुझे ना इन सबका टेस्ट ले लेने दो कि इनको समझ आता है कि नहीं आता. आज 4-5 न्यू स्टूडेंट्स हैं. ओके इप्सिता. यस सर. ओके सर. यस प्रणव. दिस वन. यस सर. सर सो दिस इज द 5th वन राइट. ओके सर. सो यूजिंग ओके फाइन. Sorry, X. First of all, change negative sign into positive. Positive sign, yes, sir. X plus in bracket minus 1 by X plus 5 the whole square. Yes, sir. Now, A using, plus B plus using identity, A plus B plus C the whole square. Yes. Which is equal to A square plus B square plus C square. Plus 2AB plus 2BC plus 2CA. Yes, sir. So, X square. Yes. Plus minus 1 by X, the whole square. Yes. Plus 5 square. Is equal to. Plus. Oh, right. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Plus 2 into X into minus 1 by X. Yes. Plus 2 into minus 1 by X. Yes. Into 5. Very good. Plus 2 into 5. Yes. Into X. Very good. Which is equal to X square plus 1 by X square. Yes. Plus 25. 5 ka square 25. X se X cut gaya. Yes, sir. So, minus 2. Yes. Minus 2 by x into 5. So minus 10 by x. 10 upon x. Yes, sir. Plus 10x. This is the answer. बच्चों की main problem पता क्या होती है? Upon को देख के या root को देख के डर जाते हो. But होता कुछ नहीं है. इस समय कुछ क्या था? सिर्फ upon में एक 1 by x आ गया था. और आधे जने आमने लग गए होंगे कि हमारी टर्न ना आए. बट इज इन दिस क्वेश्चन देयर इज सर 25 माइनस 2 कर सकते हम लोग 23. हां सर वो लाइक टर्म है 25 माइनस. या सॉरी मैंने देखा नहीं है. इसको करके बच्चे अगले स्टेप पे 23 आ जाएगा. यस सर. ओके बाकी सारा सेम रहेगा. ओके सर अगर सर यस सर डिनोमिनेटर में से कॉमन आ सकता हो तो हम ले सकते हैं. नहीं बच्चे कॉमन लेना ही नहीं है इसमें. एक्सपेंड करना है सर. वैसे कोई अगर और सम हो तो डिनोमिनेटर लिखाओ. जहां पे फैक्टराइज लिखाओ बच्चे वहीं पे कॉमन लेना होता है. ओके सर. नाउ थर्ड सम हो जाएगा बच्चे कंप्लीट सबका. यस सर. यस सर. नाउ यस मोहित. यस सर. फोर्थ सम ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 12. A square plus B square plus C square is 50. We have to find AB plus BC plus CA. Yes, sir. We will put the identity A plus B plus C the whole square. Squaring both sides, bache. Sir, we the first term hai na. Bache, yahan pe term different di hoti, fir kya karte? Haan, vaise bhi kar sakte hain. A plus B plus C ka whole square ki identity seedhi bhi likh sakte hain. बट ज्यादा बेटर है कि हम इसका स्क्वायर करें दोनों तरफ. ओके सर. ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर. यस सर. नाउ ओपन इसके नीचे इसकी आइडेंटिटी आ जाएगी. यस सर. क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. स्क्वायर मत बोल स्क्वायर बोल. ओके सर. प्लस 2 इनटू एबी प्लस 2 बीसी. यस बच्चे. Plus 2 CA. Very good. Is equal to 12 square? 144. Iski value hume given hai 50. To iske place pe 50 aa jayega. Yes, in tino mein se 2 common le lo. Yes, sir. What is left? Sir, AB plus BC plus CA. Maine common kyun liya? Kyunki humne AB plus BC plus CA find karna tha. Yes, sir. That's why. Now,
इस टू को नीचे ले जाऊं मोहित? यस सर। रॉन्ग। 50 को उस साइड लेके जाएंगे बेटा। यस सर। पहले 50 जाएगा फिर टू नीचे जाएगा, पहले टू नीचे ले गया तो गलत हो जाएगा। ओके सर, हाँ जी बेटा, तो फिर उसके बाद नीचे लेकर जा सकते हैं। 50 उस साइड लेके फिर नीचे लेके जा सकते हैं। 50 प्लस 2 को 52 कर फिर 144 के नीचे। शाबाश, पक्का लेके जाएगी थी तू। बोर्ड मास रूल पता है? सर यस सर पता है। तो यहाँ पहले मल्टीप्लाई होगी के पहले एडिशन होगी बता? सर पहले मल्टीप्लाई होगी। तो इसको ऐसे ही रख लिया इसलिए उसको उस साइड लेके गई। इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते हम। ओके सर। ये ब्रैकेट नहीं डालनी। 50 उस साइड जाके माइनस हो गया बच्चे, 94 रह गया। अब बच्चे नीचे लेके जाएंगे 94/2 47। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कितना आ गया हमारे पास? 47 आ गया। दिस इज द आंसर। किसी को बच्चे डाउट हो? नो सर। लारा? नो सर, नो डाउट। अली? मोहित? नो सर। अभिजोत? प्रणव? नो सर। महक? नो डाउट सर। ओके चलो मैं करवाऊं। नहीं बच्चे मुझे करवा लेने दो एक बार, न्यू स्टूडेंट से मुझे पता चल जाए कि कितने पानी में है। और मिक्सअप तभी होंगे वो, अदरवाइज डरते रहेंगे कि हाँ क्या हो गया। अब ये गिवन है, ये गिवन है। वी हैव टू फाइंड ए प्लस बी प्लस सी। एक सेकेंड अभिजोत, व्हाट वी कैन डू? या सर। सर पहले हम आइडेंटिटी सिंपली लिख देंगे, उन्होंने दो वैल्यूज दी हुई हैं। हाँ, जब हमारा वैल्यू आ जाएगा स्क्वायर बाद में हम कट कर देंगे। ए स्क्वायर कट नहीं करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ बच्चे मैंने आइडेंटिटी को कॉमन लेके लिख दिया, 2ab 2bc 2ca था ना, उसको पहले ही कॉमन ले लिया। इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है, सेम टू सेम रहेगा, इसको चेंज नहीं करना। यस बच्चे, इसकी वैल्यू सर 35 प्लस 2 एज लाइक 23। बस अभी नहीं रूप, पहले इन दोनों को ऐड कर दें के पहले मल्टीप्लाई करें? सर पहले 23 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले तो तू बता कह रही थी कि इनको ऐड करना होता है। नहीं सर, नहीं गलती नहीं करनी बच्चे वो, ठीक है ना। 35 प्लस 46 ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर 6511 1538। अभी बोलना नहीं है लारा। यस सर। ए प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल? प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 81 सर। पहले प्लस माइनस 9 मैंने ये पूछना था, तूने पहले ही बोल दिया प्लस माइनस। चलो वेरी गुड बच्चे, प्लस 9 माइनस 9 किसी को ना पता हो कि क्यों आया है? एनी स्टूडेंट जिसको ना पता हो, धैर्य पता है बच्चे? मोहित अली, बच्चे मुझे एक बात बता, 9 किसका स्क्वायर है? सर 81। यार 9 का स्क्वायर नहीं पूछा मैंने, मैंने ये पूछा क्वेश्चन, ध्यान से सुन। 9 इज द स्क्वायर ऑफ विच नंबर? 3। बस ठीक ही है, माइनस 3 का नहीं है। यही चीज बच्चे। अब मुझे नहीं पता, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था 9 × 9, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था -9 × -9। लिख सकते थे ना? यस सर। तो यहाँ से 9 बार आ गया, यहाँ से -9 बार आ गया। दैट्स व्हाई जब भी स्क्वायर दूसरी साइड पे जाके स्क्वायर रूट बनेगा तो बाहर प्लस माइनस लगाना ही लगाना है, बिकॉज आई डोंट नो 81 प्लस 9 का स्क्वायर था वहां पे कि -9 का स्क्वायर था।
That's why plus minus is there. Compulsory है। सर इसके पहले आप मुझे क्या पूछ रहे थे? कुछ नहीं बच्चे, यही पूछा था, पूछना था मुझे ये था तू गलती करेगी ये, पर तूने पहले ही प्लस माइनस बता दिया मुझे, तो तभी तो वेरी गुड बोला था। ओके सर। ये तो बताया ना कि प्लस माइनस क्यों आता है लारा? अभी नेक्स्ट सम जोया, आर यू देयर? कहना है सर मैं बताऊ? नहीं बच्चे। जोया आर यू देयर? यस सर, यस आई एम। आपकी स्क्रीन सर, आपकी स्क्रीन ब्लर हो गई, अब ठीक है? यस सर, ना ब्लर हो गई, फिर से हो गई, अभी हो जाएगी ठीक, अब ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फाइंड करना है। जोया बता yes, कैसे करेंगे, बोलो बच्चे। सर क्या a प्लस बी प्लस सी गिवन है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए गिवन है, we have to find this one। सर हम आइडेंटिटी लेंगे इसमें, चलो by using a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। यस सर, भूल गया मैं किसके इक्वल होती है जोया? स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ऐसे ब्रैकेट में डाल लो। लिख देना उसके बाद टू कॉमन ले लेना, तो यही बनेगा ना, तो मैं पहले लिख दिया मैंने। ओके सर। हाँ जोया। यस सर। सर अब हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है पी, सो हमारा आंसर आएगा पी स्क्वायर, पी का होल स्क्वायर, ये पी स्क्वायर। ओके बच्चे कौशल। सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वैसे ही आएगा नीचे। यस सर, प्लस टू, और सर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की भी वैल्यू हमारे पास है, दैट इज क्यू, सो हम क्यू लगा देंगे, टू क्यू। एंड सर अब पी स्क्वायर माइनस टू क्यू इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। That's the answer. Kaushal, you can go, bache. Yes, bache. Samajh aa gaya, bache? Sir. Haan ji. Yes, sir, hum log by squaring on both the sides bhi kar sakte hai na? Haan ji, beta. Haan ji, kar sakte hai. Haan, sir. Yes. Now, सेवन सम वैसे तो सेम ही है बट सर एक बार दिखाना सर, यार ब्लर हो गया। यस सर, इसमें सर बराबर है। ओके सर ठीक है, इक्वल है ना बेटा, पीस के चाहे उसको साइड लिख दो चाहे उसको साइड लिख दो। ओके सर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके सर। इप्सिता। यस सर। सरवा। सर आइडेंटिटी लग जाएगी सर इसमें, सर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी प्लस सी हमने फाइंड करने हैं। यस सर। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। सर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी बी सी एंड सी ए। प्लस कौन बोलेगा? सॉरी सर। हाँ जी बेटा। तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, तो इसकी कोई ड्राइव आइडेंटिटी नहीं होती सर? नहीं बच्चे, लग कर सकते हैं, बना सकते हैं ड्राइव आइडेंटिटी, पर जरूरत क्या है, इसको इस साइड ले जा, ड्राइव आइडेंटिटी बन जाएगी, वो हम वैसे भी साइड लेके आते हैं वो चीज। सर ए बी बी ए बी प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू सर 50, इसकी वैल्यू तीनों के सम की 50 प्लस 2 इनटू 47 का होल स्क्वायर
Yes, sir. 50 plus 94? Yes, sir. 144? Yes, sir. So square udhar jaake square root ban jayega. Aur bahar? Plus minus. And what is the square root of 144? So 12. Very good. This is the answer. Wala main batau. नहीं तेरे से मैं पूछना ही है, तू जितना ज्यादा बोलेगा ना उतना कम पूछूंगा मैं। अब सीधा चुप करके बैठी थी ना तभी उससे पूछा मैंने। एक मिनट मोहित। सर मैं अभी चुप करके बैठा हूँ, मुझसे पूछ लेता हूँ, मुझसे पूछ लेता हूँ आज उनका थोड़ा सा पहले बोल रहा हूँ। मैं अभी चुप करके बैठा हूँ, मुझसे पूछ लेता कोई बात नहीं, सबकी टर्न आएगी कल से, सब कुछ पूछूंगा। आज तो सिर्फ उनका थोड़ा सा टेस्ट ले रहा था। बारे में मत बोला करो सर, क्लास के बाद सारे मेरे घर पे आके मेरे को पीटेंगे। शौर्या ओके। x plus y minus z, x square plus y square plus z square 30. तो xy minus yz minus zx फाइंड करना है। मोहित अब क्या करें? सर सबसे पहले x प्लस y और सर z को प्लस सर प्लस में चेंज करना पड़ेगा। बाद में करेंगे बच्चे, पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दे। ठीक है सर, इसमें वैसे कर सकते हैं ना। अब यहाँ पे हम सीधा आइडेंटिटी क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि बीच में माइनस आ रहा है। ओके दैट्स व्हाई स्क्वायर इसका किया, और एबीसी की फॉर्म में नहीं है ये, एक्स वाई जेड की फॉर्म में है। अंडरस्टूड? समझ आया? अब इसको एक्स प्लस वाई प्लस माइनस जेड का होल स्क्वायर, इस साइड फोर का स्क्वायर एट आएगा ना अभिजोत, फोर का स्क्वायर एट आएगा अभिजोत। 16 सर, 16 पहले जैसे के बोला था है? चलो a प्लस b प्लस c, a के प्लेस पे x, b के प्लेस पे y, c के प्लेस पे माइनस z, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस माइनस z स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इनटू x इनटू y प्लस 2bc, 2 इनटू y इनटू माइनस z प्लस 2ca, 2 इनटू माइनस z इनटू x इज इक्वल टू 16। टू कॉमन ले सकते थे, अभी देख रूप मैंने कॉमन लिया नहीं यहाँ पे, बट बाद में कॉमन लेना पड़ेगा। ओके यस यार, एक सेकेंड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आएगा ना अभिजोत? यस सर, सर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस आएगा प्लस। ठीक है एक्स वाई यहां से माइनस वाई जेड हो जाएगा बच्चे, माइनस जेड एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू 16। इसकी वैल्यू 30 हमें गिवन है, 30 उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, मैं सीधा उस साइड लेके जा रहा हूं क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है नीचे। इसकी वैल्यू 30 फिल हो जाएगी, 30 उस साइड जाके माइनस हो जाएगा। यहां पे सॉल्व कर रहा हूं अभी मैं, तो यहां से बच्चे 2 है जो मल्टीप्लाई है वो नीचे चला जाएगा, एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, 16 माइनस 30 माइनस 14, और जो 2 मल्टीप्लाई है वो नीचे चला जाएगा 7। तो एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इज माइनस 7, दैट इज द आंसर। अंडरस्टूड? यस यस, आई थिंक सबको मजा आया होगा आज सर। यस सर। नहीं आया सर, मेरी बारी नहीं आई सर। तो मेरी भी नहीं आई, लेकिन मजा तो आया। तो मेरी भी नहीं आई सर, आज के लिए कह तो रहे हो कि सर मॉर्निंग में बच्चे हमारा 27 थोड़ा सा रह गया है, वो करेंगे कंप्लीट, उसके बाद कोई 20th चैप्टर शुरू करेंगे सर, उसके बाद ही स्टार्ट कर देंगे कि परसों करेंगे कल। हां सर, 28 तो हमने किया था, 20th बच्चे वो तो हमने किया था। 20th कहाँ किया? एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स सर, नहीं किया। एरिया ऑफ पेरिमीटर, एरिया एंड पेरिमीटर ऑफ प्लेन फिगर्स कुछ ज्योमेट्री वाला है, 28th वाला नहीं, एरिया डिस्टेंस फार्मूला है चैप्टर 28। मैं 20th की बात कर रहा हूं, 20th
टू जीरो अच्छा